आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और जो भी चैनल के ऊपर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा रेगुलर कंटिन्यू में क्वेश्चन वो लेकर आता रह रहा हूं चैनल पर जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि जस्ट बगल में आपका एग्जाम जो है अभी टेन प्लस टू का होने वाला है और खास कर आपको यह भी फोकस करना है कि किस सेक्शन से कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है ताकि आप उस सब्जेक्ट पर जो है वो ज्यादा फोकस कर पाए और एक बात शाम को कितने बजे छह बजे मैथ के क्वेश्चन भी मैं आप सभी को करवा दूंगा और एक बात ट्रिगो के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना दो से तीन क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में

तो देखते हैं आज के सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आपके बने हैं जीके जीएस और आपका करेंट अफेयर से पहला क्वेश्चन बना है आपका आईएमएफ के चेयर के चेयरपर्सन कौन है करवाया हुआ क्वेश्चन है एक बार नहीं दो बार नहीं दसो बार रात को साढ़े ग्यारह बजे वाले क्लास में इनका नाम मैंने आपको पढ़कर बताया है आईएमएफ के चेयरपर्सन कौन है तो सभी को पता है क्रिस्चलियाना जॉर्जिवा ये मैंने आपको करवाया है रात को साढ़े ग्यारह बजे वाले क्लास में कल क्वेश्चन बना था आप सभी का कर्मयो जो ग्रंथ है ये लॉन्च किया गया था आपका अमित शाह के द्वारा ये किसके ऊपर था लेकिन आज क्या पूछा गया है आज वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है सेम क्वेश्चन लेकिन इसी को क्या है घुमा दिया गया है आपका आज का क्वेश्चन था कि कर्म उद्ग्रं जो शुभारंभ किया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो वो आंसर सेम ही है अमित शाह आप बोलेंगे एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कुछ दिन पहले करवाया हुआ भारत के वर्तमान आर्थिक सलाहकार रात को साढ़े बजे वाले क्लास में मैंने बताया था के वी सुब्रमण्यम कृष्णा मूर्ति वेंकटा सुब्रम सुब्रमण्यम और मैं एक चीज देख रहा हूं हाल फिलहाल नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने का तो आप जान लगा दो करंट अफेयर में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं जब भी मैं करंट अफेयर क्वेश्चन देख रहा हूं ना एक चीज निकल कर आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो हाल फिलहाल में पढ़ाया हुआ है हाल फिलहाल में पढ़ाया हुआ है यानी करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो बहुत के आ रहे हैं और खास कर कर वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे आसान टेनिस के गेम के बहुत बड़े बादशाह नोवाक डिजोकोबिक जो है वो किस देश से है तो मैंने बताया है कई बार ये साइबेरिया से है अगला क्वेश्चन छठा। आइसलैंड सम्मिट नई दिल्ली रात को साढ़े ग्यारह बजे रिवीजन क्लास में करंट अफेयर सुबह बजे तो छोड़ दो अगर साढ़ बजे करंट अफेयर देखे होंगे तो आप सभी इजीली आंसर देकर आ जाएंगे छठा दीप शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है नई दिल्ली में दो दिन पहले दो दिन पहले रात को कितने बजे साढ़े ग्यारह बजे वाले क्लास में बताया था इंद्रधनुष 2.0 मिशन लॉन्च किया गया है कौन से राज्य में कहां पर शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश यहां पर ऊपर हो गया यहां पर कर लीजिएगा आप सभी उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन हमारे सामने चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव वनडे में दो हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए क्वेश्चन आपका इस प्रकार था ये वाला कि इंडिया टीम में वनडे में एकमात्र बॉलर कौन है जिन्होंने दो हैट्रिक लिया है मैंने बताया है और जब भी क्रिकेट का क्वेश्चन आता है मैं पूरा डिटेल में आप आप सभी सभी के साथ एक्सप्लेन कर कर को बताता हूं तो मैंने बताया था लगातार दो हैट्रिक लेने वाले बॉलर कौन बन गए हैं आपके कुलदीप यादव और मैंने यह भी बताया था उस दिन पहले बॉलर कौन थे चेतन शर्मा याद करो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आरबीसी कहां पर बनता है प्रोडक्शन कहां होता है बोन मैरो ठीक है सुचिता कृपलानी किस राज्य की है आपको बताना है उत्तर प्रदेश कहाँ की सीएम है ये आपका था यहाँ पर सुचिता कृपलानी सीएम जो थी वो किस राज्य की थी तो उत्तर प्रदेश और एक बात सुचिता कृपलानी पहली सीएम थी आपका उत्तर प्रदेश का महिला क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो किस साल में बना था अठारह में जो है आपका महाराष्ट्र में ठीक है विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण 1878 में हुआ था जो आपका महाराष्ट्र में है एक क्वेश्चन था आपका जुड़वा शहर को लेकर ट्विन सिटी ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्ट में था 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 क्या लेकिन एक शहर ये नहीं आपसे पूछा कि ट्विन सिटी बोलते किसको है क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ और था एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है आते ही मैं आप सभी को अगले शिफ्ट वाले रिव्यू में मैं आप सभी को करवा दूंगा अगला क्वेश्चन था सूरत का उपनाम क्या है निकनेम पूछा था तो दो चीज बोलते हैं सूरत को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी भी बोलते हैं अब ये सही आंसर जो है वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग की ऑप्शन में एग्जैक्ट डाटा था क्या आपसे पूछा गया था सूरत का निक क्या है अब ऑप्शन में क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको आंसर क्या देना था तो आप सभी को पता है सूरत को हम लोग डायमंड सिटी भी बोलते हैं और सिल्क सिटी भी बोलते हैं ऑप्शन में जो भी होगा इसमें से एक वो आपका सही आंसर होगा ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन था आपका ज्वारा नृत्य किस राज्य का है तो ये है आपका मध्य प्रदेश का ज्वारा डांस कौन से राज्य का है तो मध्य प्रदेश का है मिथेन का रासायनिक सूत्र सबसे आसान सबसे इजी क्वेश्चन जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट किए सभी जानते हैं सी एच फोर केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिथेन सी एच फोर अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो कौन है आपका पटा भाई सीताराम अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं ये क्वेश्चन था यार जब क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे हैं ना तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं समुद्र गुप्ता अगला क्वेश्चन है ब्लू विट्रोल किसको कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट को फॉर्मूला क्या है ठीक है ब्लू विट्रोल को किसको कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट को CUSO4 फोर को अगला क्वेश्चन है मुदराई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह था आज का द एथेंस ऑफ पूर्व पूर्व के एथेंस किसको कहते हैं तो मुदराई को ये आप थोड़ा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं सारा जेन्यून क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज बना हुआ क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्या था ओम स्लो इसका आविष्कार जिसने किया वो कौन से कंट्री से थे ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओम्स का नियम जो है वो आविष्कार किया गया था आपका जर्ज सेमोन ओम्स के द्वारा लेकिन सवाल पूछा था ये किस कंट्री से ये क्वेश्चन था तो वो है आपके जर्मन के कहा क्वेश्चन के? के। था आपका आंसर क्या हो जाएगा ओम्स लो जिसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था यह व्यक्ति कहां, कहां से थे तो जर्मन के थे और एक क्वेश्चन आपका आया था टाइगर रिजर्व को लेकर आपका कुछ भी वहां पर था एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है वहां पर शायद क्वेश्चन था बंदरगाह नेशनल पार्क कहां पर है टाइगर रिजर्व कहा है तो ज्यादातर तो आपका कहां पर है मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है तो एक क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व को लेकर था आज के एग्जाम में तो ये आपके कितने सेकेंड शिफ्ट में मैंने कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस क्वेश्चन करवा दिए हैं पच्चीस में एक ट्विन सिटी वाला छूट गया है यानी जितने भी डाटा मिल रहा है आप देखते चलो और इसका पीडीएफ कम से कम ना आप अपने पास रखना ताकि आने वाला जो भी एग्जाम है रेलवे या फिर एम या या फिर टेन प्लस टू वाला उसमें आप एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर, कर टेलीग्राम पर पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया हूं वहां से आप सभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और शाम को छह बजे आप सभी को मैथ का पेपर जो है वो सॉल्व करवाने वाला हूं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आपसे भी ठीक है ना चलिए